सब्सक्राइब कीजिए पीएन मोटरऑयल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। हुंडई ने अपनी नई आई20 का स्टॉक डीलर्स तक पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है और इसके कुछ पिक्चर्स भी लीक हो चुके हैं और आज हम आपसे इन पिक्चर्स के जरिए न्यू आई20 की इंडियन वेरिएंट की एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, इंजन, ट्रांसमिशन फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, प्राइसिंग और लॉन्चिंग डेट के बारे में इन डिटेल्स बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमेत और आप देख रहे हैं पीएन मोटर वर्ल्ड। तो फिर शुरू करते हैं डिजाइन से। डिजाइन में आपको नई i20 में सोनेट और वेन्यू की तरह एक एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी हुई K1 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगी। अगर आप फ्रंट की तरफ नजर डालें तो आपको पूरी कार तो कवर अप मिलेगी, लेकिन आप बोनेट लाइंस और हुंडई की कैस्केडिंग ग्रिल के डिजाइन को देखकर आप उसकी ग्लोबल वेरिएंट से इंडियन वेरिएंट की लुक्स की सिमिलरिटी को देख सकते हैं। फ्रंट में आपको फुल एलईडी हेडलैम्प के साथ एलईडी डीआरएल्स और प्रोजेक्टेड फॉग लैम्प के ऑप्शंस मिलते हैं और इसके साथ आपको ग्रिल के बीच में हुंडई की एक बड़ी सी लोगो देखने को मिलेगी जो कि इसके लुक्स को काफी एनहांस करती है। तो फिर आप आते हैं साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में अगर इस पाई शॉट की पिक्चर को देखा जाए तो इस इमेज से नई i20 की पूरी साइड की प्रोफाइल अनवील हो जाती है। साइड में आपको विंडो फ्रेम के नीचे क्रोम इंसर्ट विद क्रोम डोर हैंडल्स, 5-spoke डायमंड कट अलॉय व्हील्स और क्वार्टर ग्लास जैसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं और डोर्स में आपको मस्कुलर लाइंस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर अब आते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ। रेयर प्रोफाइल में भी आपको गाड़ी पूरी कवर अप मिलेगी, लेकिन आप स्ट्रक्चर को देख के उसकी कुछ डिजाइन एलिमेंट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। रियर में आपको फुल एलईडी टेल लैंप के साथ साथ एडजोइनिंग स्ट्रिप और हाई माउंटेड टेल लैंप के ऑप्शंस भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको डिफॉगर, वाइपर और पियानो ब्लैक फिनिशिंग भी देखने को मिलेगी। तो फिर अब आते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो है मच अवेटेड सनरूफ। इसके साथ आपको 2.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और इनबिल्ट नेविगेशन जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। इसके साथ आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और लेदर रैप गियर नॉब्स देखने को मिलेगी। जैसा कि आप स्पाई शॉट में देख सकते हैं कि आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जहां लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, राइट साइड में टेकोमीटर और मिडिल में MID स्क्रीन यानी कि सुपरविजन क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको गियर नॉब के पीछे एक एयर प्यूरिफायर और कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे। तो फिर अब आते हैं रेयर में। रेयर में आपको फैब्रिक सीट्स, आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, AC वेंट्स के नीचे USB चार्जिंग पॉइंट और मोबाइल पॉकेट जैसे स्टोरेज ऑप्शंस मिलते हैं। और एक खास बात, रेयर में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के ऑप्शंस मिलेंगे। तो फिर अब आते हैं फीचर्स की तरफ। फीचर में पुरानी i20 भी अपने सेगमेंट की सबसे फीचर रिच कार थी और नई i20 भी अपने सेगमेंट की सबसे फीचर रिच कार होने वाली है। जैसा कि आप स्पाई शॉट इमेजेस में देख सकते हैं, नई i20 में इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ बोस के स्पीकर्स आने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग व्हील पर नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में ऑडियो कंट्रोलर, ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस कमांड जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। और अगर स्टीयरिंग के राइट साइड पर नजर डालेंगे तो वहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और MID स्क्रीन कंट्रोलर देखने को मिलेगी और इसके साथ आपको हुंडई की ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, यानी कि कनेक्टेड कार वाले फीचर्स आपको न्यू i20 में देखने को मिल जाएंगे। और इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच से कार के इंजन को स्टार्ट या स्टॉप या फिर कार के केबिन को प्री हीट या फिर प्री कूल कर सकते हैं। तो फिर अब आते हैं सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सेफ्टी फीचर्स में आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद कैमरास और क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेंगे। और i20 के टर्बो वेरिएंट में आपको ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंजन की। i20 में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों तरह के इंजन के ऑप्शंस मिलते हैं। पेट्रोल में आपको 1.2 लीटर VTVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 82 bhp और 115 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करेगी। दूसरी तरफ 1.5 लीटर डीजल इंजन 100 bhp और 230 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करेगी और इसमें आने वाले 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 120 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करेगी। और अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो हुंडई में IMT, AMT और मैनुअल इन तीनों ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलेंगे। आप i20 के इंजन के सारे स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके साथ उसके कंपैरेटर की स्पेसिफिकेशंस भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यू i20, अल्ट्रोस, बलिनो और ग्लांजा की इन डिटेल कंपैरिजन देखनी है तो फिर आप ऊपर आने वाले आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो फिर अब आते हैं प्राइसिंग की तरफ। न्यू i20 की एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 9.5 लाख रुपए तक जा सकती है। तो फिर अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉन्चिंग की तरफ। गाइस, नई i20 28 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच कभी भी लॉन्च हो सकती है और एंटायर इंडियन ऑटोमोबाइल कम्युनिटी इसके लॉन्चिंग के लिए काफी एक्साइटेड है। तो फिर गाइस आज के लिए इतना ही।
लेकिन जाने से पहले आप अपने थॉट्स या फिर एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।